हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तेरा कुछ भी नहीं हूं मगर इतना तो बता, देखकर मुझको तेरे जहन में क्या आता है। इतनी महंगाई तो कर दी है, कभी सोचा है कि मेरे मुल्क का मजदूर क्या कमाता है। जब तलक कुव्वते तखय्युल है आप पहलू से उठ नहीं सकते, पड़ गया नाम ईसीएल में अगर चाहकर भी तो उठ नहीं सकते। मियां यही मिसरा है आखिरी, अब तशरीफ ला रहे मासे चौधरी। दुनिया भर में मजाक रात को देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आप कमाल लग रहे हैं उदास साहब। थैंक यू सर। जरा भी उदास नहीं लग रहे, लेकिन आप ज्यादा उदास लग रहे हैं। क्यों? लगता भाभी ने डांट के भेजे है। वासे भाई बड़े प्यारे ने, भाभी ने इन्हां दा फोन चेक किया ते नंबर ही इस नाम तो मैसेज फीड किए ने। आंखों का इलाज, दिल का इलाज, बातों का इलाज। भाभी ने अपना नंबर डायल किया तो लिखा सी ला इलाज। भाई ने एक बंदा आके पूछता भैंस की कितनी टांगे होती हैं, अगो कहते ले ये तो कोई बेवकूफ बंदा भी बता सकता है। वो बंदा कहते इसे लिए तो पूछन दिया। इन्होंने कुड़ी आके कहती जब मैं पास हुई थी ना तो मेरे पापा ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। अगो कहते ये तो मैं फेल होया, मेरे पापा ने मैं 1.5 लाख का रक्षा लिया के देता है। एक दफा बड़े गुस्से में घर आए, भाभी से कहने लगे चलो खाना बनाओ। उसने कहा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कहना मैं मजाक कर रहा था, मैंने तो ये कहना था कि चलो शॉपिंग पे चलें। वो कह रही ओहो मैं भी मजाक कर रही थी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चल फिर रोटी पका। आज के मेहमानों को बुलाना शुरू करता हूँ। हमारी पहली मेहमान जो है कराची से खास तौर से तशरीफ लेकर आई हुई है, एक बहुत ही जबरदस्त सुपर मॉडल है वो, और साथ ही साथ एक्टिंग भी करती हैं। आप उनको फिल्मों में देख चुके हैं जिंदा भाग और उसके अलावा गुड मॉर्निंग कराची में भी, और अब आप फिर उनको देखेंगे। ईद पे फिल्म आने वाली है 7 दिन मोहब्बत, उसमें दोबारा नजर आएंगी। आप सबकी तालियों में मोहतरमा आमना इलियास। साथ देंगे हमारे दूसरे मेहमान जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और एमपीए हैं और बड़े ही अरसे से सियासत के अंदर है और एमपीए इतनी बार बने हैं कि अब तो आदत सी है उनको एमपीए बनने की। आप सबकी तालियों में जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल गुज्जर। मैं समझा जी गुज्जर नाल मज लैके आउणगे। हुण ओह गुजर नहीं रहे जिन्हें मझां रखियां, जिथे मझां बनदे हैं उत्थे हुण गड्डियां बनदे ने। ये अभी इसका जवाब वो देंगे, अगर आप पहले शेर पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। इनके लिए एक शेर है सर कि सितारे टिमटिमा गए हैं, चांद जगमगा गए हैं और चेहरे खिलखिला गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में आमना इलियास जी और इकबाल गुज्जर साहब आ गए। मैं सासों को डेडिकेट करना चाहता हूं। जी प्लीज। के करके अगवा सास मेरे बॉस की, दी धमकी डाकुओं ने बॉस को। करके अगवा सास मेरे बॉस की, दी धमकी डाकुओं ने बॉस को, अगर 5 लाख ना भेजा तो छोड़ देंगे तेरी सास को। तो छोड़ देंगे। मेरा ख्याल है सास तो बहुत तंग आया। हाँ जी। तो जी मेरी सास व्याह वाले दिन तो लेके हुण तक मेरे नाल उन्हें कोई गल नहीं की। क्यों? 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 मेहंदी वाले रात ही फौत हो गई सी। भाई जिस मुंडे ने उन्हें कुड़ी व्याही ओदा मरना ही बनता सी। क्या हाल है आमना आपके? बिल्कुल ठीक थैंक यू। खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल। मॉडलिंग के अंदर तो आप जिसे कहते हैं जबरदस्त झंडे गाड़ी। पहले मेरे बारे में शुरू करें, सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप वासे चौधरी जी जी यू आर सच अ गुड राइटर। अच्छा। सच अ गुड होस्ट। अच्छा। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच। मैंने कहा कहने लगी छोड़ दो सबका। आपका शो हमारे घर में देखा जाता है, मेरी अम्मी आप तीनों की बहुत बड़ी फैन है। आई वॉन्ट टू थैंक यू। मैं भी हूँ, मैं भी आपकी फैन हूँ। अच्छी बात है।
माँ जी को हमारा सलाम कहिएगा। आप खुद ही कह देना, देख देखेंगे। माँ जी बहुत बहुत ज्यादा सलाम, तुसी साडे फैन जे, ते धी नूं भी अकल दिओ साडी, ओ भी हो जाए। You guys are so entertaining, इतना मजा आता है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट शो राइट नाउ। थैंक यू। तुसी 2 किलो दूध ही दे दियो सानूं। इकबाल साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर, इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करूं, आप भी इन तीनों के बारे में। मैं भी कहना जी प्लीज, इतने हमले किए आपके साथ। हमारा जो मुआशरा है ना, खास तौर पे आजकल बड़ी तफक्कर और बड़े गमो फिक्र में उलझा हुआ है, तो उसमें आप जो खिदमत कर रहे हैं ना कौम की, वो रियली अप्रिशिएबल है। और उस पर इतने हमारे बुजुर्ग बच्चे और पूरी पूरी फैमिली जो इतना इंजॉय करती है आपके प्रोग्राम को, हंस खेल लेते हैं, खुश हो जाते हैं और आपको बड़ी दुआएं देते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने ये कहा और आपने कहा कि हम लोग खिदमत कर रहे हैं, आप ये मानते हैं तो सर हमें वजीर आजम ही लगा दें। ये वजीर आजम वाला काम आप ना ही मांगे तो अच्छा है। वजीर आजम ना बनना, 3 महीने बाद जो तड़ियाँ हरकत नाहल हो जाना। वो 3 महीने नहीं, 3 बार बनने के बाद होता है। ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि कोई 3 बार वजीर आजम बनता है, कोई 3 बार दूल्हा। तेनू तो इतनी खुशी हुई जिस तरह बनी गाला तेरे टेंट लगे। मतलब आपके ख्याल में ज्यादा आपको कौन सी पोजीशन अट्रैक्ट करती है, 3 बार वजीर आजम या 3 बार दूल्हा? मैं समझता हूँ 3 बार दूल्हा जो बनता है वो ज्यादा खुश नसीब है। पहली दफा इलेक्शन लड़ा आपने? हाँ जी, 85। इससे पहले इलेक्शन लड़ा था मैंने, लेकिन मैं कामयाब हुआ हूँ 85 में, पहली दफ़ा पंजाब असेंबली में 1985 में। सर उसके बाद कितने इलेक्शन हो गए जो आपने आज तक लड़े हैं, कोई कभी तादाद याद? मैंने कोई उसके बाद 8 इलेक्शन लड़े हैं। 8 इलेक्शन लड़े हैं सर। एक तो ये तो पूरी आपने उम्र गुजार दी है पॉलिटिक्स के अंदर। मुझे आप अपने ईमान से बताइए, पॉलिटिक्स के अंदर आपको बेहतरी आती हुई नजर आई पाकिस्तान में? नहीं नहीं, बेहतरी आ भी रही है, बेहतरी आ रही है, इसलिए कि बेहतरी आनी उस वक्त अजीज़म के जब कौम के अंदर अवेकने गाएगी, कौम जाग उठेगी। तो मैं देखता हूँ जो नौजवान नस्ल है हमारी, बड़ी हौसला अफजा बात है कि वो बड़े जाग रहे हैं और बड़े अवेकनिंग है उनके अंदर और बड़ा नॉलेज है उनके अंदर और बड़े सवालों जवाब करते हैं और बड़े अलर्ट हैं। तो जब कौम जागती है तो लीडरों को जागना पड़ता है, लीडरों को भी जागना पड़ जाता है। जबरदस्त, चलिए ये तो एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि इतना एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हमें ये बात बता रहे हैं जिन्होंने इतना एक एरा देखा हुआ है पिछले 30 साल के अंदर, और मुख्तलिफ हुकूमतें, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज, इतना उतार चढ़ाओ सब कुछ देखने के बाद अगर आप ये कह रहे हैं, चले कुछ एक पॉजिटिविटी है इस पूरे मामले के अंदर, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, बेहतरी आएगी। सर ये बात आपने अपनी पार्टी वालों को भी बताया? जी उनको भी बताइए। तो वो उनको यकीन आया कि नहीं? उनको पूरा यकीन है कि बेहतरी आएगी, वो बेहतरी लाने में पूरा अमल कर रहे हैं। अच्छा। तुसी अम्मी नूं टेलीफोन करो कि जेदी मैं फैन हूं, मेरे नाल गल नहीं कर रहे। आमना मॉडलिंग के अंदर इतना नाम आपने बड़े थोड़े अरसे में कमाया है, एक चीज आपने खुद भी बड़ी आम फहम बड़ी बार इंटरव्यूज के अंदर भी कही, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ये बात की कि आपको लोग कहते थे कि आप मॉडल नहीं बन सकती। वो लोग मिलते हैं जो आपको कहते थे कि आप मॉडल नहीं बन सकती? हाँ जी, मैं उन सबके साथ काम करती हूँ, they're all my friends now. अच्छा, वो सब दोस्त है जो पहले कहते थे कि मॉडल नहीं बन सकती, उनमें से किसी एक ने या किसी ने भी आपको आज तक दोबारा? सब मुझसे डरते हैं। डरते हैं, मगर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार गलती हो गई थी, सॉरी उस वक्त ये बोल दिया? नहीं, गलती, आई मीन मिसजज तो लोग करते हैं ना। कभी किसी ने वो नहीं कहा कि आमना वी आर सॉरी कि हमने ये कहा था? नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं। और अगर कोई मुझसे आके कहेगा भी दैट दे आर सॉरी, सो आई एम गोना फॉरगिव देम, इट्स ऑल राइट। और मुझे किसी की माफी चाहिए भी नहीं। मगर वैसे वो ड्राइविंग फोर्स थी वो जो क्लेम शुरू में लोगों ने किया। आई थिंक आपको जब क्रिटिसिज्म मिलता है या जब आपको लोग कहते हैं, आपको पुल बैक करते हैं या पुश डाउन करते हैं, तो दैट इज द टाइम व्हेन यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ। तो वो जो वक्त होता है आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आप बहुत सीखते हैं। आई थिंक आई एम अ सर्वाइवर एंड आई फाइट एंड आई एम सो आई एम इट्स ऑल राइट। अगर आपसे आज ये पूछा जाए, कोई आपसे यंगस्टर्स पूछते हैं कि आमना हम मॉडल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए तिलकना जरूरी है जी। तिलकना क्यों जरूरी है? सीखने वास्ते ना जाएंगे। ये कौन से जमाने की मॉडलिंग कर रहे हैं आप? मैं कैम अली शाह के जमाने की कर रहा हूं। बताइए कि क्या आपके ख्याल में अगर आपसे पूछें आज यंगस्टर्स के जो मॉडल बनना चाहते हैं, आप क्या कहती हैं? आई थिंक टू बी अ मॉडल सबसे पहली बात तो ये है कि यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू वट एवर यू वेयर। इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमें आता है, हम अपनी बॉडीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। So I think whatever you wear, it's very important to carry it. वो भले एक शॉर्ट ड्रेस है या लॉन्ग ड्रेस है या गाउन है,
So I think that's very important. The confidence matters. अपनी बॉडी टाइप के साथ आप खुश रहें basically. अपनी बॉडी टाइप. वो जो कहते हैं कि फाके करें और ये करें और वो करें. Although आप वैसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कुछ खाती पीती हैं मगर. नहीं ये झूठ है मैं सब खाती हूँ. वैसे एक बड़ा आम फेम समझाता है कि जी बहुत आपको पतला होना चाहिए और बहुत ज्यादा एक सर्टन वेट से. आई थिंक पतला सिर्फ आपको मॉडलिंग के लिए नहीं होना चाहिए आपको वैसे भी पतला होना चाहिए और मैं आपकी तरफ देख रही हूँ कि आपको भी पतला होना चाहिए. उनका तो वैसे जनरल फिटनेस बहुत जनरल फिटनेस बहुत मॉडलिंग के लिए आपको पतला होना जरूरी नहीं है. टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल टू लिव हैप्पीली यू नीड टू मगर वैसे आपको कंफर्टेबल होना चाहिए जो भी कपड़े आप पहने उनके साथ आपको बाकी मोटा पतला मैटर नहीं करता. मोटा पतला मैटर नहीं करता शक्ल सूरत भी नहीं. शक्ल सूरत भी नहीं. नहीं शक्ल सूरत मैटर करती. ये देखा ना सही काम की बात तो आपने अब बताई है. शक्ल सूरत तुसी चाय पी के दसो खालस दूध दिया के मिलावट वाले दी नहीं दूध है ही नहीं करमा लिया. शक्ल सूरत के अंदर क्या टाइप है ये बताइए जरा. देखिए मॉडलिंग करने के लिए ना आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फैक्ट. जी जी प्लीज. मॉडलिंग करने के लिए यू नीड टू हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी फ्रेम. एक आपकी एक एक चीक बोन्स होती है एक आपका चिजल्ड मुंह होता है यू नो यू हैव नीड टू हैव अ चिजल्ड फेस टू पुल ऑफ एनीथिंग दैट यू वेयर. एक फोटोजेनिक शक्ल होना बहुत जरूरी है. आपने मॉडलिंग की है वैसे? मैंने कभी नहीं किया. आपको लग रहा है जो दोनों चीजें आपने बताई हैं इनका ताल्लुक हो सकता है मेरे से चिजल्ड फेस या चीक बोन्स? हाँ तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि मैं लिस्ट पर टिक करता जाऊँ कि ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो मैं मॉडलिंग की तरफ ना ही जाऊँ. सो आई थिंक मॉडलिंग करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका एक सर्टेन टाइप का एक सर्टेन टाइप का शक्ल चाहिए होता है. इकबाल साहब आप बताइए सर पॉलिटिक्स में अगर कोई आपसे आके पूछता है कि इकबाल साहब पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए उसके लिए आप क्या कहेंगे? पॉलिटिशियन के लिए सबसे पहले ना टेम्परामेंट बड़ा होना चाहिए पेशेंस होना चाहिए. पेशेंस ठीक है. जेंटलमैन शुड बी ए गुड लिसनर. ठीक है. तो जो बंदा टेंपर लूज करे ना वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता. ये तो मतलब सारे नु जरदारी साहब का शिकर तो लेना चाहिए. सर मुझे सब छोड़े आप ये बताएं आप आम जिंदगी के अंदर आपको हमेशा असेंबली के अंदर या राणा सनाउल्ला या फिर तलाल चौधरी टाइप लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है आज कैसा लग रहा है आपको आमना के साथ बैठ के? सर कहीं तो तब्दीली आई. तब्दीली है मगर आपको कैसी लग रही है तब्दीली कैसी लग रही है? इमरान खान साहब की शादी जो भी बड़ी तब्दीली है वो तो कहते थे हमेशा मगर आप लोगों ने कभी कहा नहीं था ना तब्दीली का तो इसलिए आज आ गई है तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं तब्दीली आई है बल्कि ताड़ी उम्र भी 60 साल तो होते तुसी भी तब्दीली ले आओ. ये अब देखे ये आप कैसी बात सर ये कर रहे हैं आप इसको प्लीज जवाब दीजिए. ये देखे मुझे ना गलत रास्ते पे लगा रहे हैं गलत. और आप ये बताएं आप लगना चाह रहे हैं दिल से? नहीं 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 ना देखा नहीं। ये हर बंदा ऐसा नहीं होता. तैयारी तो लगता तुसी साथ करने जे. नहीं नहीं ये मुझे इंस्टिगेट कर रहा है. इंस्टिगेट कर रहा है और ये चाहता है कि आज आप घर पे जब जाए तो आगे दरवाजा ना खुले तो जाके मेरी लड़ाई हो जाए. तुसी ज़ेहन बनाओ रिश्ता कराने वाली माई भी साढ़े कोल बैठी है. के मौसम का क्या होगा असर अनजान पर फिरता हूँ सीवी पकड़ के जॉब के इम्कान पर हिकमत अमली नहीं कोई किसी के पास भी कर रहे हैं सबसे आसत बिजली के बहरान पर आजकल वो धरने देने की नहीं करता है बात लगता है शादी का है काफी असर कप्तान पर. फैसलाबाद जैसे इलाके तू रहना ना बंदा सुता हुए सब्जी वाला दे कांदे लागे आके कहंदा आलू ले टींडे ले किधर रहना नहीं तू हाँ की मेरी बात सुन मुझे ना आज तक समझ नहीं है कि मैं तेरे साथ करूं क्या. तू मेरा की करना ऐसे हड़ा तो छोटे छोटे कर दे तू है मेरा. वेलकम बैक टू मज़ाक रात. आमना आपने बड़ा एक्टिवली फिल्मों के अंदर काम शुरू कर दिया जिंदा भाग में भी किया गुड मॉर्निंग कराची में भी किया और अब आपकी एक और फिल्म आ रही है सात दिन मोहब्बत इन जो कि छोटी ईद पे आई थिंक रिलीज होनी है तो ये क्या एक्टिंग का शौक था या डिफॉल्ट सेटिंग थी कि एकदम कहीं हादसातन हो गई? मुझे एक्टिंग का शौक डेवलप हुआ आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मैंने शुरू में थोड़े से टीवी कमर्शियल्स किए यू नो और अब मॉडलिंग भी इस तरह की होती है एक्टिंग इज अ बिट रिक्वायर्ड. जितने भी हमारे लॉन्च शूट्स होते हैं एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सप्रेसिव इन मॉडलिंग्स. और गुड मॉर्निंग कराची एक्चुअली मेरी पहली फिल्म थी. अच्छा मगर वो आई बाद में. वो आई बाद में और मेरी दोनों फिल्मों के लिए मैंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन के तहत मेरी सिलेक्शन हुई. सो आई थिंक एक्टिंग कर लेती हूँ मैं थोड़ी ठीक ठाक कर लेती हूँ और एंजॉय भी करती हैं. बहुत एंजॉय मॉडलिंग ज्यादा करती हैं एंजॉय एक्टिंग. जब आपकी दो बच्चे होते हैं ना तो आपकी पहली औलाद शायद आपको थोड़ी ज्यादा प्यारी होती है. तो पहली यानी कि मॉडलिंग तो पहली मॉडलिंग मॉडलिंग थी तो मोवाली औलाद ज्यादा प्यारी है. हां जी सर कोई शौक फनून लतीफा से रहा? थोड़ा बहुत
किस हद तक म्यूजिक ड्रामा फिल्म क्या शायरी थोड़ा बहुत जो कि इंसानी जबिल्लत है हर बंदा आपको देखते हैं ड्रामे वगैरह ड्रामा भी देखता हूँ ड्रामा आखिरी कौन सा को देखा कोई याद है वारिस पूरा मुकम्मल सारा वारिस पूरा तो आपने उस जमाने में देखा ना वो तो हमें आजकल के कोई जो आजकल के जो लगते हैं ड्रामे वो भी अच्छा देखते हैं यानी कि आपकी आशनाई है जो अब नए लोग आके काम कर रहे हैं आजकल फेवरेट एक्ट्रेस कौन है फिल्म की बात कर रहे हैं कोई भी फिल्म हो टीवी हो आजकल मैंने फिल्म कभी नहीं देखी ड्रामा शामा ही देखता हूँ फिल्म देखी नहीं आजकल ही देखी आजकल आपकी फिल्म कब देखी थी आपने जब पढ़ते पढ़ते थे नौजवान थे उस वक्त देखते थे आपकी फेवरेट कौन थी उस जमाने में शबनम थी शबनम जी का जमाना था वो अच्छा आमना थिएटर का शौक हुआ आपको आई थिंक मैं फैशन करने में इतनी बिजी रही हूँ और थिएटर इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिएटर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है आई थिंक मेरे पास वक्त नहीं था लेकिन अब मुझे एक दो थिएटर की ऑफर आई है और मैं डेफिनेटली उसको कंसीडर कर रही हूं और मैं करूंगी थिएटर जिन्नी ताडी हाइट है खलो के पता चल जाएगा कि आज बारिश होएगी नहीं मैं पंखे भी साफ कर लेती हूं बिजली की तारें भी साफ कर लेती हूं और कोई मैं खुद बता देती हूं आपको मैं अपने कद के हिसाब से क्या-क्या कर लेती हूं उठ के खलो देखो मलौते हवा चलन रही कि नहीं अब कहे ना कि हवा नहीं चल रही आपके सर को देख के पता चल रहा है एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही कहने वाली थी आपको इनका नाम पता है क्या मैं आपको उनका पूरा नाम इनका नाम है अक्रम उदास उदास तो नहीं लगते मुझे शक्ल उदास नहीं लगते आप वैसे आई थिंक उदास आपके ख्याल से क्या होना चाहिए इनका नाम एज सेकंड नेम तखल्लुस नु क्या रखना चाहिए अक्रम टकला चलेगा टकला तो नहीं बुरी गल है अक्रम कद्दू हो सकता तेरा नाम तो फिर ठाकर तोरी हो सकता ये देखे जेलस हो गए अब साथ ही देखो ना सर मेरी स्मार्टनेस तो जाली जी जी मैं सोच के आई थी कि मैं जो है ना ऐसी जुगते नहीं मतलब मारूंगी शो अच्छा बिल्कुल मैं सोच मगर हमने आपको मजबूर कर दिया लेकिन आप लोगों ने जो है ना मुझे मजबूर कर दिया है वैसे ये बताएं पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है किसी हद तक इंटरेस्ट क्या होता है पॉलिटिक्स कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नहीं मतलब कहीं हमारे पास अक्सर यहाँ मॉडल्स आती हैं जो कि आके टोटल इनकार कर देती है कि हमें तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है इंटरेस्ट क्या होता है पॉलिटिक्स हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे जी आई नो everything about politics but generally I know what's happening in the country kaun aa raha hai kaun ja raha hai kya ho raha hai kya nahi ho raha so I think basic knowledge to sabko hi hota hai sab news dekhte hain so you can't deny politics politics is a vital part of our lives to aapne vote wagera dalte ho maine aaj tak to vote nahi diya abhi election aa raha hai is saal to program hai koi mujhe I think dena chahiye vote aur main bahut apne aap se mujhe buri lagti hai baat ki main vote nahi deti hu I think vote sabko dena chahiye taki hum at least responsibility utha saken ki humne jisko choose kiya Is that person right or wrong or not good enough for us or good for us? Maybe. So I think हमें वो responsibility लेनी चाहिए। और कोई ज़हन बना है आपका कि वोट किसको देना है? अभी तक तो नहीं मेरा ज़हन बना। अभी तक नहीं बना। अब आपने कहा है तो मैं इस बारे में सोचूंगी। आप चॉइस से मिली हैं तो कोई लगा इनकी पार्टी की तरफ कोई इम्प्रेस हुई आप या नहीं? हाँ जी साथ खप तो बाद क्यों नहीं होना है और दुश्मनों के ब्याह सब तो ज्यादा डांस करने वाले तेनू समझ क्यों नहीं आती मैं बार बार समझा मैं दो तीन बारी प्यार ना तेन हैंडल कर गया तुम समझे अच्छू नरम हो गया है? मैं बदतमीजी करा भीरे ताड़ी खप तो मैं बहुत परेशान हेलो ओ भाई हाँ जी तमीज से और आहिस्ता तू किडनी का ऑपरेशन कर रहे हैं थे तमीज से आहिस्ता फैसला बाजे से लाके तू रहना ना बंदा सुता हो सब्जी वाला कंधे लाके आके कहता आलू ले टीले कि रहना नहीं तू हाँ की मेरी बात सुन मुझे ना आज तक समझ नहीं है कि मैं तेरे साथ करूं क्या तू मेरा की करना ऐसे हड़ा तो छोटे छोटे कर दे तो है ओदी टेंड कर सकता मेरे वाल नहीं कट सकता मेरी टिंड के बारे में कोई बात नहीं करनी आपने क्यों की गल ये चौथी की किताब ज्यादा जिक्र होया या हातम ताई ने जो सात सवाल हल किए थे उन्होंने एक भी सीगा इतनी पुरानी तो टेंड है ही नहीं मेरी जिंज की तेरी टेंड है ना सिर ना ए सिर ते कपड़ा पा इंज के सिर नैब वाले लभ रहे हैं अच्छा बात सुनो जय कम हाँ जी बात सुनो हमारे मेहमान आए हुए हैं बड़े मौसम मेहमान हैं की हाल है जी ये मोहतरमा कराची से आई हुई हैं सुपर मॉडल हैं आमना ओ मैं आप सुन रहे हैं या कन ला के केड़ी कुड़ी जी तुहानू कहंदी मैं तुहाडी फैन यही हैं काकी तैनू कोई समझाउण वाला नहीं इन्हों का कौन फैन हों इन्हों के बच्चे भी एक टीवी से कह रहे हैं बंद कर दें पापा आ गए देखो मेरी गल सुनो मैं तुम्हें हजार बारी समझा कि इकबाल गुज्जर साहब आए ने साड़ी मॉडल आए ने
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਹਮਸਾਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਢਵਾ ਕੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 40 ਸਮੋਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਮਤ ਬੜ ਤੂੰ ਨੌ ਬਾਲ ਦੇ ਦੇ। ਓਏ ਚੱਲ ਚਾਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ? ਓਏ ਚਾਰਜਰ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਚਾਰਜਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲੀਲੂਏ ਬਗੈਰ ਜਾਤਾ ਵੀ ਤੋਰੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬਦਮੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਕੀਆ ਉਠਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਚੁੱਕ ਯਾਰ, ਮੈਡਮ ਉਹ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਓਏ ਗੰਜੇ, ਓਏ ਗੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਅੱਛੂ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਮੈਂ ਇਹ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਹਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਮਿਠਾਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ویلکم بیک ٹو مذاق رات۔ تو سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ 2018 کے الیکشن نون لیگ کے لیے آسان؟ دیکھیں جی، میں اگر بات کروں گا تو آپ ذرا باعث سمجھیں گے اس کو، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے نا پنجاب کے اندر، باہر کا مجھے نہیں پتا۔ پنجاب میں تو میاں صاحب کی پارٹی جیت جائے گی، میاں نواز۔ اچھا، پنجاب سے باہر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پنجاب کے باہر پھر کمپٹیشن ہے، کہیں پہ کچھ سیٹیں آئیں گی، کہیں پہ نہیں آئیں گی، لیکن پنجاب تو سویپ کر جائے گا۔ اتنے آپ نے دیکھے ہیں وزراء اعلیٰ ان دا لاسٹ 30 ایئرز، اگلا وزیر اعلیٰ کس کو دیکھنا چاہیں گے؟ وزیر اعلیٰ جو بھی ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کم از کم میاں شہباز شریف کی تقلید کریں۔ میاں شہباز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب نے کام کیا ہے پنجاب کے اندر، اس اسپیس کو قائم رکھنے والا وزیر اعلیٰ۔ پھر تو یہ تو نیچرلی جو سب سے زیادہ بنتا ہے وہ تو حمزہ شہباز ہی بنتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں تو وہ انہیں کی طرح کریں گے۔ کوئی عرض نہیں، وہ جو بھی ہے اس طرح کا آنا چاہیے تاکہ پنجاب کے اندر کام ہو۔ آمنہ آپ یہ بتائیں، آپ کراچی پہ رہتی ہیں، جی آپ جب لاہور آتی ہیں، پنجاب آتی ہیں، تو آپ کو ڈفرینس لگتا ہے یہ جو کلیم کر رہے ہیں چوئی صاحب، یہ کچھ اس میں صداقت نظر آتی ہے جب آپ آتی ہیں؟ آپ تو ایک باہر نیوٹرل ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ شہر کیسا بنا ہوا ہے؟ خوبصورت بنا ہوا ہے، میں ڈینائی نہیں کر سکتی۔ تو آپ کی شادی ہوئی؟ آج موسم بہت اچھا ہے، کیوں بتاؤں؟ میں ایسا لڑکا چاہیے اگر شادی کے لیے، ٹرانسپلانٹ کرایا اس نے۔ اچھا، بال بھائی دل سے سوچ رہے منڈا گجر ہی ہوئے۔ گجر بے شک نہ ہوئے، لیکن سمارٹ ہوئے، خوبصورت ہوئے، سیرے تو فارمیکیا طرح ہوئے۔ مبارکاں 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 او لیلا، تہاڈے واسطے مٹھائی لے کے آئے۔ مٹھائی؟ او زندگی دے وچ ایڈی میٹھی مٹھائی نہیں تسی کھادی ہونی۔ ہوا کیا؟ آج میں تہانوں اپنے ہتھ نال کھواواں گا۔ اچھا، خبر میں تہانوں سناواں گا نا جی، تسی سن گڑون ہو جاؤ گے۔ مگر کیا مٹھائی سر؟ تسی چھڑ میٹھی ہے نا؟ ہاں ہاں، بس اے سوچ میٹھی ہے، دیٹس اٹ، نو مور۔ سر آج میرے بڑے محترم دوست آئے نے، ماشاءاللہ اے اے منہ میٹھا ہو گیا۔ ابے کس چیز کی مٹھائی ہے یہ؟ اپنے ہاتھ میں کھانی ہے جی، کیونکہ توں میں نہیں کھوا سکتا کیونکہ میری وائف بھی دیکھ رہی ہے نا۔ نرگولی مگر مٹھائی کس چیز کی تم نے کھلائی مہمانوں کو؟ یہ گل میں نے نہیں پتا، سچی میں تم دساں، آ میں تواڈے آ رہا سن، وہ باہر کافی لوگ کھڑے ہوئے سن، وہ ونڈ رہے سن مٹھائی۔ ہاں، وہ پی ٹی آئی دے لوگ سن۔ پی ٹی آئی دی مٹھائی میں نے کھوا دیتی۔ وہ اپنا انڈیا پیدا ہوئے، شیخ اوپر پڑھتے رہے، گجر والے چو الیکشن لڑ دے۔ میں اپنا قائد
بالآخر منتخب کر لیا. آپ نے قائد منتخب کر لیا؟ جی سر جی. کون ہوا؟ شہباز شریف صاحب میرے قائد نے آج تو بعد پوری زندگی. ہاں تسی رکھ لو. جی سر. ہاں کھانا نا میں منہ مار بیٹھا. اچھا یار اب بات سنو, میں مہمان میرے آئے ہوئے سر. مہمان اللہ تعالی عیاتی کرے سر. طبیعت صحت کیسی ہے؟ ابھی خراب ہو گئی. آپ نے کہا نا آپ نے منہ مار دیا مٹھائی میں. ہائے ہائے یار. اوئے میڈم نے تسی بلایا تے دسیا ہی نہیں. ہائے کہاں سے بتاؤں, تم نے آتا ہی مٹھائی کھلا دی. او آئی ایم سوری, میں تو ہن ویکھیا ماشاءاللہ تسی تے میرے تو ہی ماڑے ہو. یار میں آپ کے انتخاب کی بڑی داد دیتا ہوں, میری بھی ساری عمر اس دشت میں گزری, اتنا سمارٹ پولیس والا میں نے نہیں دیکھا. ہے نا سر؟ یار کوئی مال سی واقف ہے کیوں؟ اب میرے خیال ناڑ چڑھ گئی یار. اچھا یار میڈم نے تسی بلایا تو میں نے دسیا. بھائی ماڈل بھی اچھی, ایکٹرس بھی اچھی, اور گفتگو با اخلاق بڑے اچھے نے. تے او اپنا انکل جڑے نے. انکل انکل کیڑے؟ تیرے تو 3 سال چھوٹے نے. اللہ دے بندے آ, میں انہاں دے الیکشن کور کیتے ہوئے نے. آپ نے کیا ہوئے گجراں والے دے وچ؟ انہاں دے سامنے تسی جنوں مرضی کھلار دیو, جیت نہیں سکدے, کیونکہ انہاں دی اوتھے خدمت بڑی ہے. کتے سلام کیتے بغیر لنگیا ہی نہیں. پوچھو کیوں؟ کیوں 2000 روپیہ دین دینا یار. اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی کافی پلانے کے لیے آپ کس کو انوائٹ کرنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی کچھ مالا تاروں کو پلاؤں گا کافی. ڈیفینیٹلی کیوں؟ زندگی میں کبھی غلط دعوت نہیں دی میں نے. ویلکم بیک ٹو مذاق رات. جی ہنا, عجیب و غریب کیا ہے؟ پہلی خبر ہے بینکاک سے, جہاں ایک ہاتھی ہر روز گنڈا گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سے گنے کے ٹرکس سے بتھا وصول کرتا ہے اور اپنے من پسند کے گنے لے کر ان ٹرکس کو جانے دیتا ہے. چوہ صاحب اس ہاتھی نے کوئی گنا نہ دے تے سونڈ مار کے ٹرک دی سکرین توڑ دیندا ہے. یار ہاتھی بیچارہ کتنی کو دیر جنگل چ برداشت کرے, آخر احتجاج کرن لئی انہوں سڑک تے آنا پینا سی. بلکہ کوئی ڈرائیور تے انہوں کو خراب گنا دے دے تے انہوں کہہ رہندا انہوں چوب کے بخا, بلکہ وہ کن فڑا کے وہ اتنے بہ جاتا جی. این گنے یار ہاتھی کٹھے کرتا, پتہ نہیں ہے جنگل چنیریاں کر کے دوجے جانوروں بیچتا. اور سر جو ٹرک سڑک پہ نہ آئے اس ڈرائیور کے گھر جاتا ہے اور جا کے اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں, تمہاری بیوی کے نام کتنے پلاٹ ہیں, کل آؤ گے تو بچو گے, ورنہ تم جانتے ہی ہو کہ جنگل میں سب سے بڑا جانور ہاتھی ہی ہوتا ہے. سر ہمارا ایک سیگمنٹ ہے 2020 کا, جس کے اندر میں کچھ آپ لوگوں سے سوال پوچھوں گا اور ساتھ آپشنز دوں گا جن میں سے کسی ایک کو آپ کو اپنا جواب بنانا ہوگا. کس سے پہلے آغاز کریں بتائیے آپ؟ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے چوائس آپ کھیلیں گے. یہ بتائیے سر, آپ نے کافی بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے اور آپ کسی ایک کو کافی پہ انوائٹ کر سکتے ہیں, تو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی کافی پلانے کے لیے آپ کس کو انوائٹ کرنا چاہیں گے؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فردوس عاشق اوان, شیری مزاری اور کشمالا طارق. ڈیفینیٹلی کشمالا طارق کو پلاؤں گا کافی میں. ڈیفینیٹلی کیوں؟ فردوس عاشق کو تو میں کافی پلانے سے رہا. سر وہ کافی پینی انہوں نے خود ہے, آپ نے صرف دعوت دینی ہے. زندگی میں کبھی غلط دعوت نہیں دی میں نے. سر یہ بتائیے ایک لمبی فلائٹ ہے لاہور سے ٹورانٹو تک کی, آپ نے 2 سیٹیں بک کروائی ہوئی تھیں اور آپ کے ساتھ والی سیٹ بھی جو ہے وہ خالی کیونکہ آپ نے بک کروائی تھی, لیکن جہاز بھر گیا ہے. اب کچھ پیسنجرز انتظار میں ہیں کہ اگر چوئی صاحب اجازت دیں تو ہم بھی بیٹھ جائیں گے ساتھ والی سیٹ پہ, تو آپ سر ان میں سے کس کو بیٹھنے کی اجازت دیں گے اور ان کے ساتھ وہ 15-16 گھنٹے کا سفر طے کرنا چاہیں گے؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہے ریحام خان اور عائشہ گلے لئی. ریحام خان میرے خیال ٹھیک رہے. شکر عائشہ گلے لئی نہیں تو انہوں نے کہنا جی دیکھو گجر بھی میسج بھیج رہا ہے. آپ ایک کشتی میں سوار ہیں, کشتی ڈوب رہی ہے اور آپ کے پاس 2 لائف جیکٹس تھی, ایک تو آپ نے خود پہن لی, دوسری لائف جیکٹ آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں. دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں نریندر مودی, الطاف حسین اور مادھوری ڈکشن. مادھوری ڈکشن کی جان بچانی چاہیے. آمنہ الیاس صاحبہ یہ بتائیے آپ کے پاس سپورٹس کار ہے اور آپ دیکھتی ہیں ایک بیابان سڑک پہ کچھ لوگ کھڑے لفٹ مانگ رہے ہیں, ان میں سے کس کو آپ لفٹ دینا چاہیں گے اور ایک ہی شخص کو دے سکتے ہیں کہ سپورٹس کار میں ہیں آپ؟ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب, آصف زرداری صاحب اور شرجیل میمن. چودھری شجاعت حسین صاحب کو لفٹ دیں گی, ٹھیک ہے, انہوں نے ساری گڈی چ مٹی پا دینی. آپ کے خیال میں ان میں سے کون بہت اچھا ہے
इनमें से कौन अच्छा है और किसके बारे में बस ऐवें गल्लां बनियां ने। तो जो तीन नाम आपने प्लेस करने हैं इसके अंदर वो है HSY, नोमी अंसारी और सना सफीनास। तो ये बताइए इनमें से कौन बहुत अच्छा है? No, I think all of them are equal. नहीं, आपको जनरल नॉलेज का सवाल का जवाब देना पड़ेगा। चलो पूछ लो, आ गया तो दे दूंगी जवाब। चलें ठीक है। ये बताइए मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी कितनी है? अच्छा, मैं उस सवाल पे वापस आ जाती हूँ। हाँ, तो बताइए कौन है नंबर वन पे? HSY. It's so difficult for me to decide. नंबर वन पे HSY. नंबर टू पे नोमी अंसारी और नंबर तीन पे है सना सफीनास। आमना इलियास के मुताबिक जो उनको पसंद है सबसे, इन पांच खवातीन को आप रेट कीजिए। Who do you think कि आप सबसे हसीन हैं इनमें से? जो नाम आपके पास हैं वो हैं सदफ कमल, ईमान अली, नूरे भट्टी, सिबल चौधरी और हरीम फारूक। तो नंबर वन पे कौन सबसे हसीन लगती हैं आप? I think हरीम, सदफ। नंबर टू पे सदफ कमल, सिबल। नंबर थ्री पे ईमान अली। चौथे नंबर पे नूरे। और नूरे भट्टी आप पांचवें नंबर पे सबसे हसीन लगती हैं आमना इलियास को। यार मैडम, तीन नाम और तीन, एक इग्नोर जोन, एक है फ्रेंड जोन और एक है मैरी जोन। तो ये तीन नाम आपने प्लेस कर देने हैं इसके अंदर। एक है नाम हमजा अब्बासी का, दूसरा नाम है फहद मुस्तफा का और तीसरा नाम है हमायों सईद का। तो बताइए इनमें से कौन होगा जो कि इग्नोर किया जाएगा? फहद मुस्तफा इग्नोर में है। फ्रेंड जोन में कौन है? हुमायूं। और मैरी जोन में कौन है? वही हमजा रह गया ना, चलो मैरी जोन में। आमना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अ शो। आई होप यू एंजॉयड योरसेल्फ। थैंक यू सो मच चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बड़े बड़े दिल का मुजाहरा किया और हमारे सारे ये उड़ते हुए तीर जो यहाँ से आ रहे थे उनका सामना किया। थैंक यू सो मच इवेंट।